बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम 10th क्लास फॉर लेसन नंबर 14 ऑफ जनरल मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऑफ एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 9 and 11 आर इंक्लूडेड। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज, आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से फर्स्ट पॉइंट है, इन द अलजेब्रिक फ्रैक्शन, इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर पॉलीनोमियल। जब भी आपको कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन नज़र आएगी उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलीनोमियल्स होंगे। व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज फ्रैक्शन वी रिड्यूस दिस टू द लोएस्ट फॉर्म। जब आप इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड, यू मस्ट कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू देयर लॉर फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। सो बट इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड दीज अलजेब्रिक फ्रैक्शन, सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आर लाइक दैट, पी बाई क्यू मल्टीप्लाई आर बाई एस। पी आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट यू मस्ट फॉलो द रिस्ट्रिक्शन डेट क्यू इज नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एस इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर कि आपके पास डिनोमिनेटर्स किसी भी सूरत ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आप सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को डिवाइड करें, मीन पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस, तो यू नो वेरी वेल जब डिवीजन हो रही होती है दो फ्रैक्शंस के दरमियान, तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज हो जाता है और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आर बाई एस का रेसिप्रोकल आ जाएगा एस बाई आर। अब आपने रेसिप्रोकल ले लिया, नाउ यू शुड फॉलो द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, सो पी एस ओवर क्यू आर। But you must remember Q and S are not equals to zero. So let's start the question number 1. Question number 1 है हमारे पास 1 over A plus 2 over A plus 1 minus 3 over A plus 2. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ फोकस करें तो आपके पास जितनी भी फ्रैक्शंस हैं ये तीन फ्रैक्शंस हैं और तीनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। जब हम लोग सिंपल आपने नंबर्स वाली फ्रैक्शंस को सॉल्व करना शुरू किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, वहाँ पे आपने देखा होगा जब आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होती है तो आप हमेशा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से एलसीएम लेना आता है। आपने 3.3 एक्सरसाइज में ऑलरेडी ये तरीका सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लिखेंगे, सेकंड डिनोमिनेटर्स के फैक्टर और थर्ड डिनोमिनेटर के फैक्टर्स राइट करेंगे। ए का फैक्टर जब लिखेंगे तो ए का फैक्टर ए ही आएगा, ए प्लस वन के फैक्टर्स में ए प्लस वन ही आएगा और ए प्लस टू के फैक्टर्स में ए प्लस टू ही आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा इनके फैक्टर्स में, तो हम करेंगे क्या, हमें फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो इनमें कॉमन थे कुछ भी, ये सभी सारे ही फैक्टर्स अनकॉमन है, तो सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स ए मल्टीप्लाई ए प्लस वन मल्टीप्लाई ए प्लस टू, इट्स मीन आपके पास जो एलसीएम आएगा डैट इज़ एक्चुअली ए इंटू ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू। एलसीएम लेने के बाद आपने करना क्या है, एलसीएम को अंदर रखते हुए पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इस एक्सप्रेशन को देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि आपने सिंपली अपना एलसीएम डिनोमिनेटर में यहाँ राइट कर दिया। अब अपने डिनोमिनेटर को अंदर रखेंगे और फर्स्ट फ्रैक्शन के एलसीएम को अंदर रखेंगे और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ए है तो अपने एलसीएम को अंदर रखते हुए ए से डिवाइड कर देंगे। तो रफ वर्क में करते हैं इसे जी, तो हम रफ वर्क में करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो भी हमारा एलसीएम था यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन करने के बजाय एलसीएम को न्यूमिनेटर में रख लेते हैं और अपनी जो वहाँ पे डिनोमिनेटर था फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ही रख के यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे हम अपने एलसीएम को एज अ डिविडेंड ट्रीट करें, क्योंकि वी नो डैट हम हमेशा न्यूमिनेटर को एज अ डिविडेंड ट्रीट करते हैं और डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइडर ट्रीट करते हैं। तो ए ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा ए प्लस वन
इंटू ए प्लस टू। अब जो आंसर आया, इस आंसर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर वन है, तो वन से जब ए प्लस वन और ए प्लस टू मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा वो देखते हैं आप नेटवर्क में। जी, जो आंसर आया था ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू, इसको हमने न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, अगेन हम एलसीएम को एज अ न्यूमिरेटर मीन्स एज अ डिविडेंड ट्रीट करेंगे, और सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे, मीन्स रफवर्क में हम इसे एज अ डिनोमिनेटर ट्रीट करेंगे। और हम चेक करते हैं क्या आंसर आता है रफवर्क में। अगेन यहाँ पे हम सेकेंड फ्रैक्शन के लिए भी रफवर्क करते हैं। जी, एलसीएम को मैंने एज अ डिविडेंड ट्रीट करना था, डेट्स मैंने इसे न्यूमिनेटर में राइट कर लिया, और जो हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था उसको हम लोगों ने एज अ डिवाइजर ट्रीट करना था, डेट्स वाई इसको मैंने डिनोमिनेटर में राइट कर दिया। ए प्लस वन, ए प्लस वन, ए प्लस वन से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए इंटू ए प्लस टू। अब हमारे पास ए इंटू ए प्लस टू बच चुका हुआ है, तो हम ए इंटू ए प्लस टू को सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चलते हैं नीट वर्क की तरफ दोबारा से। जी, नेटवर्क में यहाँ पे देखें आप, आपने यहाँ पर हमारे पास न्यूमिरेटर में टू था, टू को हमने अपने आंसर से मल्टीप्लाई किया, आंसर था ए इंटू ए प्लस टू, तो टू ए इंटू ए प्लस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम टू ए इंटू ए प्लस टू। सिमिलरली थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ए प्लस टू है, इसको भी सॉल्व करते हैं। जी, यहाँ पर हमारे पास हमने अपने एलसीएम को एज अ डिविडेंड ट्रीट किया, और अपने डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हुए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, a प्लस टू से कैंसिल, देन वी हैव a इंटू ए प्लस वन। अब a इंटू ए प्लस वन को हमने अपने थर्ड फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करके राइट कर देना है। जी, यहाँ पर थर्ड फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर चाहिए, तो थ्री से a इंटू ए प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस थ्री a इंटू ए प्लस वन। जी, फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके डिनोमिनेटर में एलसीएम था, एलसीएम एज इट इज़ रहेगा, वन इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी होगा तो वन इन दोनों ब्रैकेट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वन इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ए इंटू ए गिव्स यू ए स्क्वायर, ए इंटू टू गिव्स यू टू ए, सिमिलरली वन इंटू ए गिव्स यू वन ए, एंड वन इंटू टू गिव्स यू टू, तो ये दो ब्रैकेट सॉल्व होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी तरफ, सेकेंड टर्म की तरफ, टू ए इंटू ए गिव्स यू टू ए स्क्वायर, 2a into plus 2 gives you 4a. Similarly, minus 3a into a gives you minus 3a square, and minus 3a into plus 1 gives you minus 3a. यहाँ पे हमारे पास like terms कौन कौन सी हैं, a square, 2a square, minus 3a square, इनको solve कर लेते हैं। 1a square plus 2a square gives you plus 3a square, plus 3a square and minus 3a square, प्लस थ्री ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए स्क्वेयर गिव्स यू जीरो, बिकॉज प्लस माइनस माइनस थ्री में से थ्री माइनस कर दें जीरो, सो प्लस थ्री ए स्क्वेयर एंड माइनस थ्री ए स्क्वेयर गिव्स यू जीरो, तो हमारे पास ए स्क्वेयर वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए, ए वाली टर्म्स को अगर देखते हैं, टू ए प्लस वन ए गिव्स यू थ्री ए, थ्री ए प्लस फोर ए गिव्स यू सेवन ए, सेवन ए माइनस थ्री ए गिव्स यू फोर ए, एंड टू की कोई टू के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, टू एक अकेला कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब न्यूमिरेटर में देखें, न्यूमिरेटर में हमारे पास टू कॉमन आ रहे हैं, टू को कॉमन ले लेते हैं, जब हम टू को कॉमन ले लेंगे देन वी हैव टू इंटू टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस वन, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही हमें यहाँ पे कोई कटिंग होती नज़र आ रही है, तो डैट्स वाई इट्स योर आंसर। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।